भी उस बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदे को बुला रही हूँ और माँ से कह रही हूँ, भैया भैया को गायक बना दिया तूने। जय हो। हम तो कुछ भी नहीं थे माँ, लेकिन ये आपकी ही तो कृपा है कि अपने श्री चरणों का पायक बना दिया तूने, ज्ञान गुणहीन को गायक बना दिया तूने। और ऐसे हंसों के बीच, ऐसे हंसों के बीच मेरे जैसे कागा को आज कुछ कहने के लायक बना दिया तूने। और जब इस लायक बना दिया माँ, तो ये भी जानती हूँ कि चाहे कोई भी पद हो, कोई भी औहदा हो, कोई भी स्थान हो, वो घटता जरूर है। तो ना ये ऊंचाई सच्ची है, ना ये आधार सच्चा है, ना ये ऊंचाई सच्ची है, ना ये आधार सच्चा है, ना कोई चीज सच्ची है, ना ये संसार सच्चा है, मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं कि अगर सच्चा है कुछ जग में तो बस माँ का प्यार सच्चा है। और अगर माँ का प्यार सच्चा है, माँ का दरबार सच्चा है, तो उसी सच्चे दरबार में खड़े होकर माँ की वंदना कर रही हूँ और माँ से कह रही हूँ, भैया भैया एक सौ एक मुद्राएं हैं भैया। हमारे आदरणीय श्री पप्पू सिंह जी सुभारी के निवासी हैं आप, भैया लाखन सिंह जी, भैया रामू सविता जी बेटा पूर्व प्रधान आपकी तरफ से जरेरा त्रिवेदी, मेरी ओर से सम्मानित पप्पू भैया, लाखन भैया, रामू भैया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सभी समिति के सदस्य हैं। तो माँ से कह रही हूँ भैया, मैया माते के माँ शारदे तुझको शत शत नमन, कुछ नहीं है, ना कोई फूल है, ना थाली है, ना चंदन है, ना रोली है,
बस केवल आपके चरणों में शत शत नमन कर रही हूँ और कह रही हूँ दादी के सुन ले पाड़ी हमारी। लगे रहो के सुन ले तिने बिना पाड़ी हमारी, स्वर बिन अधूरी है ये वाड़ी हमारी। कैसे होगा मैया, इसलिए आपका आगमन जरूरी है और आपको आना पड़ेगा मैया। तो सुन ले तिने बिना पाड़ी हमारी, स्वर बिन अधूरी है ये वाड़ी हमारी। स्वरों में मधुर इसको कहते ढोलक बजाना। सुन ले तिने बिना पाड़ी हमारी, स्वर बिन अधूरी है वाड़ी हमारी। स्वरों में मधुरता का, स्वरों में मधुरता का कर दो सृजन। स्वरों में मधुरता का कर दो सृजन। शारदे तुमको सत सत आराधना की अंतिम पंक्ति माता के चरणों में सादर समर्पित है। जय हो ये कहते हुए कि हे माँ, माँ दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ माँ का स्थान ना हो। माँ शारदे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं हो। कोई भी चीज उठाइए उसमें स्वर निकलेगा। हम आप बोलते हैं उसमें भी स्वर निकलेगा। यहाँ तक सांस लेने में भी स्वर निकलता है। और जब माँ की कृपा होती है तो ही कलाकार गा पाता है। तो आपका स्थान कुछ खास जगह मेरी नजर पड़ी और देखिए कहाँ कहाँ मिला। सुने सुने के नारद की वीणा शिव के डमरू में तुम हो। भिटौली से हमारे आलोक भैया आए हैं। आलोक भैया की ओर से
हमारे गुड्डू भैया के लिए तमाम ढेर सारे पुरस्कार आपने कई बार 50-50 मुद्राओं के दिए हैं। अरे वाह तिवारी, तो मेरी ओर से आलोक भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, गुड्डू भैया की तरफ से भी। बात है, और हमारे सभी साथी कलाकारों को भी आपने 51 मुद्राएं भेंट की है, मुझे भी एक पुष्पमाल और 101 मुद्राएं भैया ने भेंट की है। आलोक भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए अंतिम पंक्ति सुनिए, के नारद की वीणा शिव के डमरू में तुम हो, राधिका के पायल के घुंघरू में तुम हो, राधिका के पायल के घुंघरू में तुम हो, राधिका के पायल के घुंघरू में तुम हो, के नारद की वीणा शिव के डमरू में तुम हो, राधिका के पायल के घुंघरू में तुम हो। जब राधिका के पायल के घुंघरू में आप है माँ, तो तेरी कृपा से मुरली, तेरी कृपा से मुरली बजाते किशन, तेरी कृपा से मुरली बजाते किशन, तुम शारदे तुमको सत सत कुछ कर रहे हैं, जिन्हें दो सुंदर सुंदर हाथ मिले हैं दोनों हाथों पर उठाकर जय बोलिए, जिन्हें दो हाथ मिले हैं दो उठाइए, जिन्हें एक मिला एक उठाइए, जिन्हें ना मिला हो ना उठाइए। हमारी माताएं बहनें भी जय बोलेंगी, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, लखनलाल की जय, बालाजी सरकार की जय, गणपति भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, अपनी अपनी मैया की जय। ये बात अब अपने अपने हाथ नीचे कर लीजिए, दोबारा बताएंगे तब उठाना। तब उठाना।